हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलर। डीसी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि पिछले कल से प्रदेश में धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन ये किसी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि महामारी कोरोना से लोगों की सुरक्षा के लिए ही लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कल 8 से 11 बजे के बीच शिमला में कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी जाएगी ताकि लोग इस दौरान अपने नजदीकी दुकानों से जरूरत की सभी वस्तुएं खरीद सके। उन्होंने कहा कि इस दौरान दुकानों पर भीड़ इकट्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं है और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस बनाकर रखें। डीसी शिमला ने बताया कि शिमला के सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर दी जाएगी। इस दौरान केमिस्ट की दुकानें भी खुली रहेगी। उन्होंने कहा कि आगे भी लोगों को इस तरह की खरीदारी करने की छूट दी जाएगी, इसलिए दुकानों में ज्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं है। धारा 144 के अंतर्गत शिमला जिले में जो कर्फ्यू लगाया गया था पिछले कल से, वो आज पूरे दिन जो है उसमें हमने रिलैक्सेशन नहीं दी है और उसका मुख्य कारण यही था कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय जो है आप घर में रहें। और आज के दिन मुख्य जितने भी हमारे बाजार थे वो सारे हमने बंद रखे थे। उसका उद्देश्य यह था कि भी लोग घरों से बाहर ना निकले। अब जो ढील है वो कल दी जाएगी कर्फ्यू में और वो सवेरे 8 बजे से 3 घंटे के लिए वो ढील होगी। 8 से 11 बजे तक जो है कर्फ्यू में रिलैक्सेशन होगी, पर वो रिलैक्सेशन सिर्फ इसलिए कि आप जो अपना निकटतम आपका बाजार है वहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज की हमारी दुकानें हैं उनको कल खुला रखा जाएगा। वहां पर दूध की सप्लाई होगी, डबल रोटी की होगी, बटर की होगी, जितनी आपकी किराने की दुकानें हैं उस लोकेलिटी की उनको भी जो है खुला रखा जाएगा। उसी प्रकार जो संबंधित वहां के केमिस्ट हैं उस बाजार में वो भी खुले रहेंगे। मेरा आग्रह सबसे यही रहेगा कि जब आप जाते हैं, 3 घंटे का जो विंडो है काफी उसमें समय आपको खरीदारी करने के लिए, आप जो है स्टैगर होके जाए, यानी कि सारे जो लोग हैं वो 8 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे। 3 घंटे का उसमें समय दिया गया है जो काफी उचित समय है। वहां पर जब आप दुकानों पे भी जाते हैं आपको दुकान के अंदर नहीं आप घुसे, वो मेरा आपसे आग्रह रहेगा। जब आप खरीदारी भी करते हैं तो वहां पर भी जो है से आप अपना डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस जो है 1 मीटर मिनिमम जो है आपको जो है एक दूसरे से रखना है। क्योंकि जैसा मैं हर समय यही कह रहा हूं कि ये कर्फ्यू जो लगाया गया कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए नहीं लगाया गया है, ये सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि एक जो है मेडिकल अवस्था ऐसी जो है उत्पन्न हो गई है कि हमें एक दूसरे से जो है डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, अगर COVID-19 वायरस जो है उससे हमारे को अपना बचाव करना है। तो कल जब दुकानें खुलेंगी भी और मैं पुनः आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप जो है एक सेफ डिस्टेंस अपने मेंटेन करके रखें। आज मेरी मीटिंग हो गई थी जो सब्जी के रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं और जो आढ़ती एसोसिएशन के सब्जी मंडी के, उनसे मेरी बैठक हुई थी। दूध के जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनसे मेरी बैठक हो गई थी। साथ ही साथ करियाने के जो होलसेलर्स हैं उनसे मेरी जो है हमने बैठक आज की है। नियमित रूप से जो है कल 8 बजे दूध की सप्लाई जो है कर दी जाएगी। सब्जी जो है क्योंकि वो सब्जी मंडी से विभिन्न जो लोकेशन है वहां पर जाएगी, तो लगभग 8:30-9 बजे तक जो है सब्जियां भी जो है जितने भी हमारे सबर्ब्स हैं वहां पर पहुंच जाएंगे। कुछ जगह से शिकायत लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है कर्फ्यू, ताकि आपका जो है ह्यूमन कॉन्टेक्ट जो है आपस में बहुत कम रहे। अगर आप बोलेंगे जी हर रोज उनको आने दिया जाएगा, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। और ये लोगों के लिए भी उचित नहीं है कि आप जो है बाहर से कोई आ रहा है। मेरे को ये भी आज रिक्वेस्ट आती रही है कि जी अन्य जिलों से जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर आने दिया जाए। थोड़ा सा इसमें जो है हम सबको सचेत रहना है, हम सबको जो है अपने अंदर से एक भावना आनी है कि अगर इस बीमारी को हमने रोकना है तो ज्यादा हम इंसिस्ट ना करें कि जी हमारे को उधर जाने दिया जाए, हमारे को वहां जाने की परमिशन दे दी जाए। आज मैंने ये परमिशन दी है, परमिशन आप तब लीजिए जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल एक इमरजेंसी आपके घर में होगी, आप वहां पहुंचना आपका बहुत ही लाजमी है, बहुत ही जरूरी है। किसी के डेथ हो गई है उसी समय हम जो है उनको पास बनवा के दे रहे हैं, परमिट बनवा के दे रहे हैं, उनके लिए हम व्यवस्था भी कर रहे हैं कि गाड़ी का इंतजाम उनके लिए हम कर रहे हैं कि वो जो है अपने घर पहुंच पाए। इसी प्रकार से मैं सबसे अनुरोध ये करूंगा, अगर कोई ऐसी बहुत जरूरी नहीं है, कोई इमरजेंट सिचुएशन नहीं है आपको अपने घर जाने की, कृपया करके जो है थोड़ा सा इसको आप टाल दें। ये आप ही के लिए जो है आप ही की भलाई के लिए जो है ये कदम उठाया गया। विक्रत जो होलसेलर थे दूध के उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा है कि जी हम डेली करेंगे, परंतु क्योंकि 40% दूध की सप्लाई होटल्स और रेस्टोरेंट्स की थी, अब क्योंकि होटल्स और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं तो इतनी सप्लाई
की आवश्यकता इस शहर में नहीं है। तो कल भी जो है हमने डबल मात्रा में दूध मंगवाया है, आप खरीदारी करिए, अगर कमी हमें लगती है तो नियमित रूप से हर रोज जो है हम सप्लाई इसकी करवाएंगे, परंतु अगर ऐसी आवश्यकता में प्रतीत नहीं होती तो हर ऑल्टरनेट डे पे जो है दूध की सप्लाई की जाएगी। कल जो है हम इस पे एक निर्णय, एक फैसला हम इस पे ले लेंगे, परंतु अगर हर रोज की भी आवश्यकता है तो वो कर दी जाएगी। परंतु साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आप कृपया करके ना सोचिए कि कल ही के दिन खुलना है, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, हम कल निर्णय उस पर ले लेंगे। अगर परसों नहीं खुल रहा है क्योंकि वो क्योंकि इतनी डिमांड है नहीं अब शहर में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, इतनी डिमांड नहीं है, वरना परसों भी हम उसकी सप्लाई करवाएंगे, अन्यथा उससे अगले दिन ऑल्टरनेट डे पे करवाएंगे। परंतु ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम रोज भी करवा सकते हैं और ऑल्टरनेट डे पे भी करवा सकते हैं, वो निर्णय हम कल ले लेंगे। सर, नजदीकी दुकानों में एक जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस कर्फ्यू का उद्देश्य क्या है, इस कर्फ्यू का उद्देश्य क्योंकि एक मेडिकल अवस्था जो ऐसी उत्पन्न हुई है उसके लिए हमने लगाया है, ताकि मिनिमम ह्यूमन कॉन्टैक्ट रहे। तो जब आपने दुकान, हम हर लोकेलिटी में जो है कल दुकान खुलवा रहे हैं, आपकी जो निकटतम दुकान है वहां पर जाके आप खरीदारी करिए, ये नहीं कि जो संजौली का कोई कस्टमर है वो कहे कि नहीं मैं तो छोटे शिमले जाके खरीदूंगा, संजौली की दुकानें खुली होंगी आप वहां पर खरीदारी करिए। उसी प्रकार से कसुमटी का अगर कोई ग्राहक है वो इंसिस्ट नहीं करे कि जी मैं जो है छोटे शिमले ही जाके करूंगा, जो जो आपकी लोकेलिटीज की दुकान है वहां पर आप परचेज करिए, और इसमें जो है आप अपनी ट्रांसपोर्ट कृपया करके ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि आपके जो जितने लोकल एरियाज हैं, जैसे बालूगंज का कोई है तो आपको बालूगंज में खरीदना है, वहीं पे सारे घर हैं, वहीं पर आप आए, ये नहीं कि आप गाड़ियां लेके चलना शुरू करते, वो हम एनकरेज नहीं करेंगे। कोई रेट ज्यादा लेता है कोई उसकी जो आप जो भी ग्राहक ऐसे फील करता है वो मेरे को सूचित कर सकता है। परंतु साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा, हर लोकेलिटी के लिए हमने जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ड्यूटियां लगा दी हैं, वो वहां पे घूमेंगे, देखेंगे कि ठीक तरीके से सप्लाई हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग आप सब मेंटेन कर रहे हैं और कोई ओवरचार्ज तो नहीं कर रहा।